चंकी पांडे की बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे अपने लुक्स को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहती हैं। अनन्या अपने बोल्ड और ग्लैमरस लुक से फैंस की धड़कनें बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। हालांकि कई बार अपनी चॉइस को लेकर वो ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ ही जाती हैं। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हाल ही में एक इवेंट में पहुंची अनन्या पांडे ने ऐसी ड्रेस पहनी थी जिसे लेकर वो खूब ट्रोल हो रही थी। कई यूजर्स कॉमेंट कर अनन्या को निशाने पर ले रहे थे। दरअसल हाल ही में अनन्या पांडे अपनी फैमिली के साथ धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता के बर्थडे सेलिब्रेशन में पहुंची थी, जहां उन्होंने बेहद ही शानदार अंदाज में ब्लैक कलर की शीयर ड्रेस कैरी की हुई थी। अनन्या पांडे का ये अवतार देख लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की तो कई लोगों ने उन्हें ट्रोल किया। बता दें कि अनन्या की ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लग रही थी। अनन्या का ये लुक देख यूजर्स उन्हें तरह तरह की नसीहतें देते हुए नजर आए। किसी ने कहा कि वो पैंट पहने तो किसी ने कहा कि वो अपना फैशन डिजाइनर ही बदल लें। हालांकि अब अनन्या पांडे को इस तरह से ट्रोल होता देख उनके पिता चंकी पांडे ने उनका सपोर्ट किया है। चंकी पांडे ने कहा कि एक माता पिता के रूप में हमने उसे कभी नहीं बताया कि उसे क्या पहनना है और क्या नहीं। हमने अपनी दोनों बेटियों को काफी अच्छे से पाला है और वो दोनों बहुत समझदार हैं। उन्होंने आगे कहा कि अनन्या आज जिस इंडस्ट्री में है वहाँ वो अपने ग्लैमरस लुक को दिखाने के लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा करेगी ही। मैं अपनी लड़कियों के बारे में एक बात निश्चित रूप से जानता हूँ कि उनमें एक तरह की मासूमियत है और मुझे यकीन है कि वो कुछ भी पहन सकती हैं, बिना अश्लील दिखे उसे कैरी कर सकती हैं। अभिनेता ने कहा कि आप जो पहन रही हैं उस पर हंसना बहुत आम है, हमें इन बातों को तारीफ के तौर पर लेना चाहिए। अगर उनके पिता को कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे लगता है कि किसी और को बुरा लगने का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता है। वर्कफ्रंट की बात करें तो अनन्या पांडे आखिरी बार ओटीटी पर रिलीज हुई फिल्म गहराइयां में नजर आई थी। इस फिल्म के लिए अनन्या के साथ अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, सिद्धांत चतुर्वेदी और धैर्य कारवा भी नजर आए थे। इन दिनों एक्ट्रेस अपनी अगली फिल्म खो गए हम कहां की शूटिंग में बिजी हैं और इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी, आदर्श गौरव बतौर मुख्य किरदार में है। इसके अलावा अनन्या एक्ट्रेस विजय देवरकोंडा के साथ अपनी फिल्म लाइगर में भी नजर आने वाली है। तो दोस्तों आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि अनन्या पांडे का ये अवतार आपको कैसा लगा और अनन्या पांडे के पिता चंकी पांडे के इस बड़े बयान पर आपका क्या कहना है।